इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और उसमें रोमांचक ना हो। आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे इंडिया पाकिस्तान के मैच जिसमें हथापाई पे उतर आए थे, तो कुछ ऐसे मैचों के बारे में बात करेंगे। आज हमने जीत लिया इंडिया, मतलब ऐसे में हम आज आपको बता रहे हैं क्रिकेट की वो लड़ाइयाँ जिसने क्रिकेट को शर्मसार कर दिया। इन सभी लड़ाइयों में आपको क्रिकेटर का ऐसा रोल देखेंगे जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। नीचे देखे आपको गौतम गंभीर का गुस्सा भी देखने को मिलेगा। बता दें गंभीर शुरू से ही विपक्षी टीमों के खिलाड़ियों से भिड़ने के लिए जाने जाते हैं, खासकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से तो अक्सर ही उनका 36 का आंकड़ा रहा। इनमें गंभीर की सबसे चर्चित लड़ाई 2007 में कानपुर वनडे के दौरान पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के साथ हुई थी। एक दूसरे पर गालियों की बौछार करने के अलावा गंभीर रन लेते हुए शाहिद अफरीदी से टकरा के भी गए थे। इसके बाद गुस्से में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे इन दोनों खिलाड़ियों को अंपायर ने लग गया। इसके बाद 2010 में एशिया कप के मैच के एक दौरान गंभीर पाकिस्तान के विकेट कीपर कमरान अकमल से भी भिड़ गए थे। बता दें कि काफ़ी शांत माने जाने राहुल द्रविड़ ने शोएब अख्तर को भी नहीं बख्शा और जमकर आड़े हाथ ले। पूरी दुनिया ने देखा किस तरह राहुल द्रविड़ ने शोएब अख्तर के खिलाफ अपना आप खोया था। इस मैच में भारतीय टीम काफ़ी संघर्ष कर रही थी क्योंकि शुरुआती सभी बल्लेबाज आउट हो चुके थे और टीम का स्कोर 129/6 था। राहुल द्रविड़ के लिए बढ़िया खेल रहे थे और अपना अर्धशतक लगाने वाले, तब वे 40 ओवर में शोएब अख्तर गेंदबाजी करने आए। उनकी गेंद पर एक चौका लगने के बाद अख्तर ने अपने गेंदबाजी में तब्दीली की और धीमी गेंद डालने की कोशिश की। द्रविड़ भाप गए। अगली गेंद पर पहला रन लेने के बाद द्रविड़ अनजाने में शोएब से टकरा गए जो कि गेंद की ओर देख रहा था। द्रविड़ ने अपना दूसरा रन भी पूरा किया। पड़ते इस घटना से ना खुश थे और उन्होंने द्रविड़ को कुछ कहा जिसके बदले उसे जवाब की उम्मीद नहीं, लेकिन द्रविड़ भी तब नरम से गर्म हो चुके थे। बाद में अंपायर और पाकिस्तान कप्तान ने हस्तक्षेप कर मामला शांत करवाया था।